आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर दें आपको। पाकिस्तान कस्टम्स एंटी स्मगलिंग विंग का स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एंटी स्मगलिंग विंग ने करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल्ड अशिया पकड़ ली हैं। 7 लग्जरी गाड़ियां, 4 करोड़ की स्मगल्ड छालियां भी शामिल है। 11 लाख रुपए मालियत का स्मगल्ड नमक भी शामिल है। कराची में पाकिस्तान कस्टम्स एंटी स्मगलिंग विंग का स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एंटी स्मगलिंग विंग ने करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल्ड अशिया पकड़ ली हैं। 7 लग्जरी गाड़ियां, 4 करोड़ की स्मगल्ड छालियां भी शामिल है, जबकि 11 लाख रुपए मालियत का स्मगल्ड नमक भी शामिल है। पाकिस्तान कस्टम्स एंटी स्मगलिंग विंग की जानिब से कार्रवाई की गई है और एक बड़ा क्रैकडाउन सामने आया है। एंटी स्मगलिंग विंग ने करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल्ड अशिया कब्जे में ले ली हैं। 7 लग्जरी गाड़ियाँ, 4 करोड़ की स्मगल्ड छालियाँ भी शामिल है, जबकि 11 लाख रुपये मालियत का स्मगल्ड नमक भी शामिल है। तफसीलात जान लेते हैं इरशाद संजरानी से। इरशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान कस्टम्स एंटी स्मगलिंग विंग ये उसकी कराची में जो है बड़ा क्रैकडाउन सामने आया है और कराची में एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने 8 करोड़ 76 लाख रुपए मालिक स्मगल अशिया पकड़ी है। ये जो कार्रवाई है डायरेक्टर कस्टम एंड कराची खलील अहमद रिजवानी और डिप्टी डायरेक्टर एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन अमजद राजपल की हिदायत पर की गई है। कार्रवाई में 4 करोड़ रुपए मालिक की छालियां पकड़ी गई है, 1 करोड़ 82 लाख रुपए मालिक की नॉन कस्टम प्लेट लैंड क्रूजर सर समेत 7 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। 44 लाख रुपए मालिक का आलिया आला क्वालिटी का स्मगल कपड़ा पकड़ा गया है और 11 लाख रुपए मालिक नमक जो है पकड़ा गया है। इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है डीजी कस्टम इंटेलिजेंस को इस्लामाबाद हेडक्वार्टर भेजी गई है और इसकी कॉपी जो है बॉलीवुड ने हासिल कर लिया। इरशाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।